टैंकर के अनियंत्रित होकर पलटने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। सभी मजदूर कोनी क्षेत्र के चुमंकवा के बताए जा रहे हैं। देर रात हुए हादसे में कड़ी मशक्कत के बाद सुबह सभी मजदूरों के शव गड्ढे से बाहर निकाल लिए गए हैं। दरअसल घटना हिर्री थाना क्षेत्र की है। यहाँ ग्राम पंचायत अटर्रा के आसपास बिजली के तार खींचने का काम चल रहा था। ठेकेदार ने पंचायत भवन में मजदूरों के रहने की व्यवस्था भी की थी। मजदूर यहाँ से रोज सुबह काम पर निकल जाते और शाम आकर रात में यहीं ठहरते थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने बताया कि रविवार की बीती रात पास की साइट में काम कर 6 मजदूर ट्रैक्टर चालक सहित पंचायत भवन लौट रहे थे। गांव के कच्चे मार्ग पर ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पानी के गड्ढे में पलट गया। इस हादसे में चालक सहित 5 मजदूरों की मौत हो गई। सभी मजदूर कोनी क्षेत्र के चुमंकवा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सुबह तड़के तक पुलिस ने 5 शव बरामद कर लिए हैं, जिसमें 4 मजदूरों की पहचान कर ली गई है। मजदूर सूरज साहू पिता घनश्याम साहू 27 व ट्रैक्टर चालक अक्षय खेरवार पिता कार्तिक खेरवार 21 साल, राजकुमार नेताम रामायण साहू की पहचान हो गई है, जबकि अन्य की पहचान करवाई जा रही है।